जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं और एक ब्लॉगिंग टूल के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर मैं बताऊँ कि आप वो टूल क्या है, क्या कर सकते हैं उस टूल से, तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बाद हम लोग बात कर ले recordscreen.io। तो ये एक ऐसा टूल है, ब्लॉगिंग टूल है एंड मोबाइल टूल है, जिससे आप अपने जो लैपटॉप स्क्रीन है या डेस्कटॉप स्क्रीन आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो एंड आप अपने लैपटॉप ले जाने भूल गए हो, या आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, आपके दोस्त के पास डेस्कटॉप है लेकिन उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है या सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रीमियम सॉफ्टवेयर से अच्छे अच्छे टूल्स है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जिसका लाइसेंस लगता है, परचेस करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप www.recordscreen.io पे जा सकते हो एंड जस्ट एक क्लिक आपको सिर्फ करना पड़ेगा एंड आपका जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप कहीं से भी, कहीं पर भी आप अपना जो लैपटॉप स्क्रीन है या डेस्कटॉप स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको कोई इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन नहीं लगेगा, कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक क्लिक करना है। एक क्लिक करने से आपका जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होने वाला है एंड उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लैपटॉप स्क्रीन में थोड़ा दिखा देता हूँ कि आप उस टूल को कैसे यूज़ कर सकते। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको recordscreen.io पे जाना है। ओके, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है रिकॉर्ड योर स्क्रीन राइट फ्रॉम द ब्राउजर, नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर सिर्फ आपको रिकॉर्ड ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, दैट्स इट, खत्म बात। रिकॉर्ड ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे स्क्रीन प्लस कैमरा आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं या सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो। अगर स्क्रीन प्लस कैमरा रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपका जो कैमरा है फ्रंट कैमरा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा आपको। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है गेटिंग परमिशन फॉर कैमरा माइक एंड स्क्रीन, अलाउ करना पड़ेगा आपको माइक। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद शेयर एंड आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फेस आ गया है। सो दैट मीन्स दैट मैंने कैमरा प्लस स्क्रीन को रिकॉर्ड किया है, ओके। सो इस तरह से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ हाई या कुछ बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीमली कुछ ट्यूटोरियल अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा मैंने जो फील किया एक दो दिन में कुछ दिन यूज़ करके थोड़ा स्लो चलता है, बिकॉज इट्स ऑनलाइन, क्योंकि आपको कोई सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट का ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द रीज़न ये थोड़ा स्लो चलता है। सो वो थोड़ा देख लेना। बाकी थोड़ा अगर आपको नॉर्मली कुछ रिकॉर्ड करना है सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सो दैट्स इट, यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।